सो हेलो एवरी वन इन टूडेज टॉक अबाउट ऑल द प्लेसमेंट प्रोसीजर्स एंड ऑल द कंपनीज दैट आर कमिंग टू एन आई डी एम सी ए फॉर प्लेसमेंट दिस ईयर तो यार आज की वीडियो में यार सको मैं सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूँगा कि यार मैंने दो हफ्ते से दो हफ्ते से ऊपर का टाइम हो गया और मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली तो यार सबको एक बार बता देता हूँ कि यार मैं डेली यूनिवर्सिटी एम सी ए का स्टूडेंट हूँ और मैं फिलहाल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोआर्डिनेटर हूँ दिस ईयर का तो यार प्लेसमेंट की सारी जो ज़िम्मेदारी होती है यार वो हम सब प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स पे आती है तो यार यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि हमें नई नई कंपनी से कांटेक्ट करना होता है जो प्रीवियस कंपनीज़ होती है उनसे भी कांटेक्ट करना होता है फिर एग्ज़ाम डेट शेड्यूल करनी होती है उनके जो टेक्निकल इंटरव्यूज़ होते हैं वो यार हमें डेट पूरी शेड्यूल करनी होती है इसके अलावा स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रखना होता है कि यार हो जाएगी प्लेसमेंट हो जाएगी इसके अलावा सबसे बड़ी बात खुद की तैयारी भी करनी होती है और खुद की तैयारी के साथ साथ अपने आप को भी मोटिवेटेड रखना होता है कि यार इस टेस्ट में फेल हो गए तो यार कोई बात नहीं अगले में प्लेसमेंट हो जाएगी कोशिश करते रहना यार हमें भी और गलती से यार अगर आप यूट्यूबर बन गए हो तो यार आपको वीडियो का भी ध्यान रखना होता है कि आपको वीडियो भी बनानी है तो यार आप समझ गए हो गए यार मेरी बात तो यार कुछ टाइम ऐसा चलेगा कि वीडियो थोड़ी थोड़ी ब्रेक के बाद आएगी तो यार आपको क्या करना है आपको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करना है यार मेरे चैनल को जो मैंने वीडियोज बना रखी है वो काफ़ी यूजफुल है तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और जल्दी से जल्दी यार हम भी प्लेसमेंट लेके जो पूरा डी है हमारा डी यू तो यार ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके साथ स्टैट्स और इनसाइट्स शेयर करना चाहूँगा जो भी यार एम की जो प्लेसमेंट्स होती है और मैंने जो इतना सीखा है यहाँ पर कि कैसे कंपनीज कॉन्टैक्ट करनी है कैसे यार उनसे रिलेसन्स अच्छे मेनटेन करने हैं कौन कौन सी कंपनीज आती है एम के लिए कौन कौन सी नहीं आती तो यार सारी चीज़ें मैं एक बार ही सबकी प्लेसमेंट होने के बाद जब हमारे यहाँ डी यू एम सी का प्लेसमेंट क्लोज हो जाएगा सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा उससे पहले यार बताना नॉट पॉसिबल बिकॉज क्योंकि यार हमारे कुछ नॉर्म्स होते हैं हमारी प्लेसमेंट पॉलिसी होती है तो यार उससे पहले हम कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे एन आई टी एम सी ए की प्लेसमेंट्स की और कौन कौन सी कंपनीज आती हैं तो यार थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको आज एक टेक्निक बताऊँगा जिससे कि यार अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है और आपको देखना है कि आप कौन कौन सी कंपनीज आती हैं यार इस कॉलेज में तो आपको पूरा पता लग जाएगा तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप कैसे देख सकते हो कि यार मेरे को यार इस कंपनी में जाने का मन है लेकिन मुझे ये डाउट है कि क्या ये कंपनी इस कॉलेज में आती है नहीं तो यार सबसे पहला प्रोसीजर है वहाँ के डायरेक्ट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट कर लो जो भी वहाँ का स्टूडेंट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है लेकिन यार मैं इसे एक इतना अच्छा आइडिया नहीं कहूँगा कि अगर मान लो कि आप प्लेसमेंट सीजन में उससे कांटेक्ट कर रहे हो और उसका मान लो आज ही पेपर में एक फेल हुआ है तो यार वो ज़रूर आपको लगता है कि वो आपको रिप्लाई करेगा मुझे नहीं लगता अगर उसका अच्छा मूड हुआ और उसने कुछ क्लियर कर रखा होगा तो यार वो ज़रूर आपका रिप्लाई करेगा तो आप पहला मेथड तो आप ये सोच सकते हो कि यार आप डायरेक्ट स्टूडेंट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करो कि यार इस ईयर में कौन सी कंपनीज आ रही है हमारे कॉलेज में तो यार आप बता दो कौन कौन सी है और आपको पूरा आइडिया हो जाएगा सेकंड यार आप जूनियर से कांटेक्ट करो अगर मान लो फर्स्ट ईयर एमसीए का स्टूडेंट है उससे पूरी खबर होगी क्योंकि यार उसने अगले साल प्लेसमेंट लेनी है तो उसे पूरा पता होगा कि यार हाँ अगले साल मुझे ये मेहनत करके लेनी है तो उसे पहले ही पता होगा कि ये कॉलेज में कंपनीज़ आ रही हैं या नहीं आ रही और तीसरा होता है यार डायरेक्ट आप प्लेसमेंट ब्रॉशर उठाओ वेबसाइट से उनकी और प्लेसमेंट ब्रॉशर में क्या होता है यार लास्ट के कुछ पेजेस में आपको सारी जो भी कंपनीज़ आती हैं कॉलेज में आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा तो यार ये कुछ तीन सिंपल स्टेप्स थे जिससे कि आप जान सकते हो कि कौन सी कॉलेज में कंपनीज आ रही है तो यार आज की वीडियो में जितने मुझे प्लेसमेंट रोशन मिले जितना मुझे डेटा मिला आज की वीडियो में यार मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा तो यार पहली हम बात करते हैं यहाँ पर एन आई तिरची की तो यार इसकी जो भी प्लेसमेंट लिस्ट है जो भी कंपनीज की लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा लंबी है तो यार यहाँ पर आप देख सकते हो यार ऐसा मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ आजकल बहुत ज़्यादा हो गया कि फैंग बहुत ज़्यादा ऊपर उठा दिया गया है वो भी इसलिए यार क्योंकि उनके स्टॉक वगैरह की वजह से लेकिन यार ऐसी बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं जो कि यार उसके बराबर आपको मंथली इनकम देती है और उसका जो वर्क कल्चर है फैंक्स से काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है तो ऐसी कुछ कंपनीज होंगी यार यहाँ पर आप देख पाओगे जो कि यार आपको नहीं पता होगी लेकिन बहुत सही है लाइक इन्फॉर्मेटिका इसके अलावा रेडिसिस इस काफी बढ़िया कंपनी है हेवलेट पैकर्ड तो यार ये कुछ कंपनीज की लिस्ट आप देख पा रहे होगे आ, तो यार यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनीज़ की लिस्ट बताने नहीं आया लेकिन बीच में इस वीडियो के कुछ कुछ इनसाइट्स आपको बताऊंगा ताकि यार आपको पता लग सके जब आप प्लेसमेंट में बैठ रहे हो आ, क्योंकि यार मैं इस वक्त पूरा प्लेसमेंट हैंडल कर रहा हूं तो मुझे पता है कि क्या क्या बीच में चीज़ें हो सकती है जो कि आपको नहीं पता लगेगी आपको कोई नहीं बताएगा कोई भी यूट्यूब पे तो यार यहां पर क्या है कि ये कुछ कुछ कंपनीज आ रही है तो यार आप देख रहे हो इतनी सारी कंपनीज आ रही हैं तो हमारी प्लेसमेंट तो आराम से हो जाएगी तो यार ऐसा नहीं होता ये सारी कंपनीज इन्होंने दे रखी है इसमें आपके कोर्सेज़ इंक्लूड होंगे बी टेक आ, एम सी एम टेक और भी एक दो इन बी टेक के और भी ब्रांचेज़ होते हैं तो यार वो भी इंक्लूड होंगे तो क्या होता है यार कि कंपनीज के कुछ नॉर्म्स होते हैं मान लो कि कंपनी आई उन्होंने कहा कि हमें बीटेक चाहिए एम नहीं चाहिए या फिर मान लो हमने बीटेक टेक एम चाहिए लेकिन एम नहीं चाहिए तो यार ये बहुत हर साल के ऊपर डिपेंड करेगा आपके जो सीनियर्स की बैच की परफॉर्मेंस पे कि ये मान लो स्पेसिफिक कंपनी लार्सन एंड टर्बो के अगले साल आपके बैच से बच्चे उठाती है या नहीं तो यार ये कोई एम की गलती नहीं है ये कोई मान के चलो कि किसी भी आपके सीनियर्स की गलती नहीं है ये सिर्फ कंपनी के नॉर्म्स हैं अब मान लो कि मैं सिक्सटी लैक्स का आपको पैकेज दे रहा हूँ और मैं टेस्ट कंडक्ट करवाता हूँ देखता तो होंगे बी टेक में से दस बच्चों ने क्लियर कर लिया एम में से सिर्फ दो बच्चों ने ये पेपर क्लियर कर लिया लेकिन इनका जो हायर काउंट है वो जीरो है तो यार वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देगी कि ये कोर्स हमें नहीं चाहिए या अगर सेम कंडीशन उल्टी मान के चलोगे एम ने कर लिया बी ने कर लिया एम ने कर लिया और बी ने नहीं करा तो यार वो उस कॉलेज में से बी को ब्लैक लिस्ट कर सकती है और कुछ उनका लिमिटेड पीरियड भी होता है तो यार ये बहुत सारी कंपनी आती है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक जो एन में कंपनी आ चुकी है वो पहली कंपनी ही गूगल आई है तो आप सोच के चल सकते हो कि यार बहुत सारा कंपटीशन होने वाला है और बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ आएंगी तो एन आई तिरची में तो यार बहुत सारी कंपनीज़ हैं तो आपको यहाँ पर प्लेसमेंट लेने की टेंशन नहीं है और जो भी ये सारे जो लिंक्स हैं मेरे पास वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो यार यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो इसके अलावा हम बात करते हैं यार सबसे पहले एन आई की तो यार अगर हम ट्वेंटी से ट्वेंटी के बीच में हम देखें तो कौन कौन सी कंपनी आती है एटलासियन बहुत तगड़ी कंपनी है बजाज ऑटो इसके अलावा एक्सेंचर अच्छी कंपनी है एमडॉक्स अच्छी कंपनी है आर बहुत बढ़िया कंपनी है सिस्को सिटी बैंक डिलोइट इसके अलावा डेली हंट बहुत यार बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज आती हैं यहाँ पर तो यार आप ये नहीं मान के चल सकते कि ये कंपनी आई है तो मेरे टाइम तक भी अगर आप निम्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू के एस्पेरेंट हो तो मेरे टाइम तक भी यही कंपनी आएंगी यार बहुत सारी कंपनियाँ एड ऑन होती हैं और बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ से छटती हैं अगर मान लो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो फ्लिपकार्ट आपको कम से कम तीन से पाँच साल के लिए बैन कर सकती है किसी भी कोर्स को किसी भी कॉलेज को और वो आपके फिर प्लेसमेंट सेल के ऊपर होता है कि वो उस बैन को किस तरीके से हटवाएं तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्लेसमेंट सेल एंड योर कॉलेज स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द प्लेसमेंट तो यार यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी कंपनीज आती है इसके अलावा जी आती है गोल्डमैन सैक्स आती है जे पी मॉर्गन आती है मारुति आती है आई बी एम आती है और भी बहुत सारी है तो यार यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं तो यार इनका जो नंबर ऑफ काउंट है वो अराउंड एंड अराउंड फिफ्टी टू सिक्सटी तक पहुँच सकता है तो जितनी भी ये सारी एक सौ एक सौ वन थर्टी थ्री कंपनीज़ हैं तो यहाँ पर आपका काउंट एम सी ए के लिए आराम से फिफ्टी सिक्सटी तक पहुँच जाएगा बढ़िया प्लेसमेंट हो जाती है एन आई टी से इसके अलावा यार हम बात करते हैं एन आई टी वरांगल की तो यार एन आई टी वरगल की जो कंपनीज़ आती है एमज़ोन आती है आकाश आती है एमडॉक्स आती है भारत पेट्रोलियम आती है इसके अलावा डेल आती है डेलॉइट आती है फैक्ट आती है बहुत बढ़िया कंपनी है फैक्ट इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि लार्सन एंड टर्बो यहाँ पर भी आती है नोकिया आती है नोकिया यार मैंने बहुत बच्चे बढ़िया बढ़िया बच्चे प्लेस होते हैं देखे हैं नोकिया में बहुत बढ़िया नोबार्टिट बढ़िया ओला बढ़िया है माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर लिखा हुआ है वो बीटेक के लिए होगा क्योंकि अब जैसे कि अगर सोचते हो कि अगर मान लो माइक्रोसॉफ्ट इस साल के लिए अलाउ करती है और क्या होता है कि यार दो साल बाद वो अपने नॉर्म्स चेंज कर दे कि यार वो एम टेक नहीं लेंगे या फिर या वो एम सी ए नहीं लेंगे तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते आप ना कोर्स को कुछ कह सकते हो ना खुद को कुछ कह सकते हो सिर्फ कंपनी के नॉर्म्स हैं और ऐसा नहीं होता कि यार अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट यहाँ से नहीं मिली तो आप कभी जा ही नहीं पाओगे ये सिर्फ और सिर्फ एक हेड स्टार्ट है आपकी यार जो भी कॉरपोरेट लाइफ है उसके लिए और उसके बाद यार आपको कोई भी कंपनी वर्ल्ड की देख लो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक ना एक एम सी ए का स्टूडेंट ज़रूर मिलेगा तो इसके अलावा यार यहाँ पर हम बात करते हैं एम एन एन आई टी की तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इन्होंने तो यार पूरे अल्फ़ाबेट वाइज ही बांट रखी कंपनीज तो बहुत सही सही कंपनीज़ आती हैं तो यार ये इनके प्लेसमेंट ब्रॉशर इनकी प्लेसमेंट पी पी टीज़ में आपको हर जगह दिख जाएगा तो यहाँ पर सैमसंग भी आती है यहाँ पर आपको रैकेट भी मिलती है इसके अलावा आपको यहाँ पर स्रीजन कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है सैपलेब्स बहुत बड़ी है तो यार क्या होता है कि बैंगलोर की कुछ नेटिव कंपनीज भी होती है तो वो यार साउथ इंडिया के कॉलेज से या फिर कुछ लिमिटेड कॉलेज के भी बंदे ले जाती है और बहुत बढ़िया बढ़िया पैकेज देती है वन लाख प्लस पैकेज दे जाती है आपको तो यार वो ट्वेल्व लाख प्लस सी नहीं बेस सैलरी भी दे देती है तो यार यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग कंपनीज के नाम सुनने में मिलेंगे जो कि यार आपको सैलरी बिल्कुल अमेजोन के बराबर देती है लेकिन हाँ उनके पास वो स्टॉक्स वाला बेनिफिट नहीं होता जो आपको अमेजॉन देती है इसके अलावा हम बात करते हैं एम ए एन आई टी की तो यार यहाँ पर भी अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट टाटा ड्यूज बैंक यार बहुत तगड़ी कंपनी है उन नाइनटीन लैक पर एन का पैकेज देती है तो यार ये है कि आप सोचोगे यार ये कंपनी आती है आराम से हो जाएगा ऐसा नहीं होता बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है उसके बाद ये ये कंपनी मान लो छः सौ में से दस पंद्रह बच्चे लेके जाती है तो भी यार अगर उसका हम हायर काउंट देखें तो बहुत कम हो जाता है तो यार आपको बहुत बहुत तैयारी करनी पड़ेगी और इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली आती है बजाज जेके टायर जोमैटो इन्फोसिस तो यार बहुत सारी कंपनी गूगल फेसबुक सब आती है आपको यहाँ पर मिल जाएगी और यह आपके प्लेसमेंट सेल के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर मान लो कि कुछ कंपनीज़ कहती है कि हम एम सी नहीं हायर करते हैं, तो प्लेसमेंट सेल की ड्यूटी है कि वो उसको पूरा कन्विंस करे कि यार हमारे जो एम के स्टूडेंट हैं बल्कि वो उनसे ज़्यादा कैपेबल और उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं तो यार वो पहली बात तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल पूरी मेहनत करेगा ये बोलने में उसके बाद अगर आप क्लियर ना करो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा वो कंपनी आपको बैन भी कर सकती है इसके बाद तो ये सब यार पूरी जिसे हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन से चलेगा कि कौन कौन सी कंपनी आती है आपके कॉलेज में और कौन कौन सी कंपनी नहीं आती इसके अलावा हम बात करेंगे जमशेदपुर की तो यार बहुत बढ़िया कॉलेज है ये भी आ, यहाँ पर गोल्डमैन सैश भी आती है जेड आती है केप जेमिनी आती है गोदरेज आती है इसके अलावा यार यहाँ पर इन्होंने पूरा सॉफ्टवेयर आईटी के लिए बता रखे तो एडोबी आती है यार एडोबी बहुत बढ़िया पैकेज देती है और ओयो रूम्स भी बहुत बढ़िया पैकेज देती है और सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि यार अगर कोई नॉर्मल कॉलेज के स्टूडेंट है और वहाँ पर एक कंपनी आती है मान लो एडोबी और अगर हम मान के चले एन है वहाँ पर भी एडोबी आती है तो यार यहाँ पर जो एच होते हैं वो पैकेज में डिफरेंस लाते हैं अगर मान के चलो एडोबी एग्जाम्पल दे रहे हो कोई भी से अभी के लिए इस पैकेज को ट्रूथ मत मानना लेकिन ये जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा अगर हम आईपी की बात करें यहां पर एक एचआर देता है पैकेज दस लाख वही एच आपको यहां पर एनआईटी में पंद्रह से सोलह लाख का पैकेज देता है ये पांच से छ लाख का डिफरेंट ब्रांड वैल्यू में है जो कि एन देता है और आईपी यूनिवर्सिटी भी देता है लेकिन उससे कम देता है तो यार ये आपको एक्सपीरियंस आपको पता लगेगा जब आप प्लेसमेंट में बैठोगे कि यार आपके जो कॉलेज की ब्रांड वैल्यू है वो मैटर करेगी आगे जाके Uh, जो कि अभी आपको लग रहा है कि यार कोई बात नहीं हम तो ऑफ़ कैंपस ले लेंगे ऑफ कैंपस उतना आसान नहीं होता जितना कि ग्लोरीफाई कर दिया जाता है तो ऑफ़ कैंपस का जो प्रोसीजर है और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कम से कम थर्टी से फोटी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जो भी ऑन कैंपस प्रोसीजर होता है तो आप समझ पाओगे जो प्लेसमेंट पैकेज uh, में जो डिफरेंस है वो आपके ब्रांड वैल्यू ऐड होती है और ब्रांड वैल्यू से इंक्रीज हो जाता है इसके अलावा यार यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इसका लिंक इसके अलावा हम बात करेंगे एन रायपुर तो यार कुछ कॉलेजेस जो हैं अपने ब्रोशर अपलोड नहीं करते वेबसाइट में जैसे कि एन रायपुर में हम देख सकते हैं तो यार यहाँ पर आपको क्या करना है वहाँ के स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट कर लेना है तो वहाँ के स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको वहाँ पर डायरेक्ट पता लग जाएगा कि ये कंपनीज आई थी उसके बाद यहाँ पर इतने बच्चे प्लेस होते वो आपको सब बता देंगे लेकिन ये है कि वो आप ढंग के बंदे से राइट पर्सन से कॉन्टैक्ट करो तो वो बेटर रहेगा तो यार यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इनकी एवरेज सी गई है और जो भी यार यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं आपको एक्जैक्टली exactly पता लग जाएगा इन ग्राफ से और इसके अलावा यार काफ़ी लोग कहते हैं मुझे एन आई अगरतला आप कवर नहीं करते तो एन आई अगर अगरतला में भी गूगल आएगी लेकिन अब मान के चलो वहाँ पर एक भी बच्चा क्रैक नहीं कर पाया पेपर तो अब क्या होता है कि बच्चे कॉलेज को कोसने शुरू कर देते हैं ना कि यार वो खुद की तैयारी को देखते हैं इसके अलावा यहाँ पर इंडियन ऑयल विप्रो डी आर डी ओ सेपियन इसके अलावा लासन एंड टर्बो टाटा तो यार इस कॉलेज ने भी जो अपनी वेबसाइट पे बहुत कम कंपनीज अपडेट कर रखी हैं बहुत ज़्यादा आती है इससे जितनी भी दिखाई हुई है इनसे तीस चालीस तो आराम से आती है बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं यार तो इतनी सी कंपनी में सारे प्लेस नहीं हो पाते जो हर कंपनी आती है उनका कोई लिमिट नहीं होता ज़्यादातर कंपनीज का कोई लिमिट नहीं होता कि यार अगर इतने बच्चे कॉलेज से क्रैक कर लेंगे तो हम इतनों को ले जाएंगे लेकिन यार जो हायर प्रोसेस होता है वो बहुत डिफिकल्ट भी होता है और कभी कभार बहुत आसान भी होता है तो यार इसके ऊपर भी मैं एक पूरी वीडियो बताऊंगा कि ताकि यार आपको पता लग जाए कि क्या होता है हायर प्रोसेस था कि कई कंपनीज आपको नहीं प्रेफर करती है एम को और बी को लेके जाती है तो यार इसके पीछे भी कुछ रीज़न है जो आज मैं क्लियर कर दूंगा पहली बात कंपनी के नॉर्म्स दूसरी बात स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस आपके कॉलेज की वो डिपेंड करेगा तीसरी बात अगर आपके स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप ले ली और अगर वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए पी पी ओ पे अगर मान लो जैसे मैं एडोबी की बात करता हूँ हमने इस साल कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी तो हमें ये रीज़न मिला कि वो हमारे कॉलेज में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि एक साल मतलब कुछ टाइम पहले जो सीनियर्स थे हमारे उन्होंने इंटर्नशिप तो ले ली लेकिन वो पीपीओ में उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए तो यार कॉलेज ने उसको मतलब जो एडोबी है उसने हमारे कॉलेज को ड्रॉप कर दिया और उन्होंने यार ये रीज़न दिया कि वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका कन्वर्जन रेट बढ़िया नहीं था तो यार उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आईआईटी एनआईटी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट वुमेन ड्राइव तो यार यहाँ पर आपके कॉलेज का ब्रांड नेम भी कुछ वैल्यू नहीं करेगा तो यार जो सारी प्लेसमेंट है और स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर डिपेंड करेगी और कंपनीज के नॉर्म्स पर भी डिपेंड करेगी तो यार अभी तक जो मेरा प्लेसमेंट एक्सपीरियंस ये रह रहा है कि यार आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी आपके कॉलेज आपको एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ देगा अब यार कौन उसको क्रैक करता है वो लक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है लेकिन आपकी मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करता है तो यार अभी के लिए मैं सबको यही कहूंगा कि यार सपोर्ट करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो क्योंकि ये इनसाइट्स आपको ज़्यादातर लोग नहीं देंगे और आगे आने वाले कुछ टाइम में यार मैं आपको कुछ ऐसी इनसाइट स्टोरीज बताऊंगा जो कि यार आपको नहीं बताऊंगी और मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा और अभी के लिए कुछ भी ऐसे बोलना सही नहीं रहेगा तो यार आई होप यार आज की वीडियो में आपको कुछ नई चीज़ें पता लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच